कृषि 24 और मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ महराणा गांव के अंदर है, वेट लिफ्टिंग में है। जो साथी गोल्ड मेडल लेके आए हैं युवाओं के द्वारा, उनका स्वागत समारोह किया गया है। साथी मेरे साथ और कितने सारी कैटेगरी में, तो इसकी 80 कैटेगरी में जो हमारे, तो 40-50 हरा गोली तामिरा रेड्डी एक बार युवा है, काफी नशे की गर्मी में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही आप जितना सपोर्ट में, जितना भी आपको सपोर्ट के इंसान को बताएंगे, हमारे मेडल लाएंगे अच्छी लाइन में। जी, स्ट्रॉइड है जो खिलाड़ी ज़्यादा लेते हैं पंपिंग के लिए, शरीर को लिए, उनके लिए क्या राय है आपकी? बिल्कुल राय तो ये साथ जो नॉर्मल पर्सनल एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए स्टेराइड, उनके लिए अगर हमारा प्रोफेशनल लेवल पर आ जाए तो उसको स्टेराइड। क्या मजबूरी होती है, क्यों लेना पड़ता है? पहले अभी दारा सिंह या बड़े बड़े पहलवान आपको कैसे पता उन्होंने दिया है, लेकिन क्या लिया उन्होंने, क्या खाया वो उस टाइम का बेस्ट था? ठीक है, शायद उस टाइम पे भी होंगे जो बड़े लेवल पे कंपटीशन होते हैं उस पर, अगर बंदे की नीड है तो शायद, लेकिन अदरवाइज कोई बच्चा फर्स्ट छः या सात में एक दो साल के ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसके लिए उसको ले तो ये मेरे साथ थे जो खिलाड़ी हैं डेड लिफ्टिंग जो गेम है उसमें गोल्ड मेडल लेकर लौटे हैं। युवाओं के लिए संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड से बच के रहना चाहिए, और हमारी भी यही राय है कि स्टेरॉइड है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा करता है, जिससे युवाओं में काफ़ी नुकसान के चांस रहते हैं। और भी इसी तरह की खबरें हम आप तक दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं।